समग्र सृष्टि को क्यों मुश्किल है इनका बचपाना, इनको पल्लवित पुष्पित कर मानवता को नए आयाम पर है पहुंचाना। रौनक है घर आंगन की, बिटिया सुख की हर संभावना, मुस्कान उनकी निश्चल ऐसी जैसे ईश्वर की हो आराधना। नमस्कार, आई एम डॉक्टर रीता भट्टाचार्य, वंदे मातरम। मैं भारत विकास परिषद का ओर से महिला और बाल विकास प्रोजेक्ट से एक प्रोजेक्ट मेंबर, नेशनल प्रोजेक्ट मेंबर हूँ। मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ। हमारा भारत विकास परिषद पूरा एक हफ्ता ये नेशनल गर्ल चाइल्ड वीक मनाए। आज उसका अंतिम दिन थी। उस दिन हम कंक्लूडिंग प्रोग्राम की, पूरा भारत में कैसे कैसे ये हम लोग मनाएंगे उसका बारे में चर्चा हुई। लगभग 500 से ज़्यादा महिला इसमें योगदान की। हमारा पहले दिन थी 16th of January। उस दिन हम लोग पूरा न्यूज़ रिलीज किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पूरा भारत में ये काम किया। हम लोग जानते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड वीक ये शुरू हुई वुमेन्स एंड गर्ल्स वो डिपार्टमेंट से, और वो 2008 में। और दिस ईयर पहली बार हम लोग भारत विकास परिषद से इतनी बड़ी एक प्रोग्राम बनाई। हमारा भारत विकास परिषद क्या है अब तो पूछेंगे ज़रूर। ये है एक संस्था जो पूरा भारत में, भारत का बाहर में भी काम करती है। ये 5 सूत्र है। आप देखिए, यहाँ है पहले वाला संपर्क, उसके बाद सहयोग, उसके बाद संस्कार, सेवा। ये चारों काम हम लोग समर्पण भावना से करती है। और ये महिला और बाल विकास प्रोजेक्ट जो है हमारी, ये प्रोजेक्ट हम लोग 16 से शुरू की करके अब भी हम लोग 16 जो प्रेस रिलीज और न्यूज़ कटिंग हम लोग को आया पूरा भारत में, उसके बाद 17 हम लोग एनीमिया मुक्त भारत का लिए महिला काम किया। इस साल ये कोरोना महामारी का अंदर भी हम लोग काम किया एनीमिया से मुक्त होने का लिए, क्या खाना है, क्या करना है, उसके हम लोग विचार किया, सब कोई को अवेयरनेस दी। तो ये महिला बाल विकास से वो उसी लिए इस साल हम लोग ये गर्ल चाइल्ड वीक में 17 पहले हम सब बच्ची को 5 ब्रांच से, हमारा पश्चिम बंगला में है 16 ब्रांच, ये हर ब्रांच से महिला 5 बच्ची को हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाई। कोई यूनिट 10-15 बच्ची को भी करवाई, तो 102 बच्ची को हीमोग्लोबिन टेस्ट वेस्ट बंगाल से किया। और पूरा भारत से 15,000 से ज़्यादा बच्ची को हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाई। 17 ये थी। 18 हम लोग को था क्या, गुड़ चना और लोहे का कढ़ाई और कुछ स्टेशनरी बांटना, ये भी बच्चे लोग को हम लोग किया। ये प्रोग्राम भी आप फोटो देखिए, बहुत सुंदर सुंदर फोटो भी है हम लोग की, बहुत अच्छा तरह से किए। और फिर 18 हो गया गुड़ चना, स्टेशनरी और लोहे का कढ़ाई। 19 वो 80 बच्चे को हम वेस्ट बंगाल से हम दिया। 19 को हमारे था एक्सकीड बनाना, एक्सकीड नृत्यनाटिका नहीं तो एक स्पीच। ये यहाँ से भी हम लोग 19 पूरा वेस्ट बंगाल में, इसमें हमारा 16 भाग लिया, 16 यूनिट हमारे बच्चे लोग को स्कीट किया तो कोई स्पीच बोला। नृत्यनाटिका हम लोग कर नहीं पाई इसका अंदर, लेकिन बाद में इन लोग। फिर 20th हम लोग को था वस्त्र वितरण। ये ठंडी का मौसम है उसी लिए हम लोग स्वेटर बांटे। हम लोग 80 बच्ची को हम लोग स्वेटर दी, और स्वेटर हमको स्पॉन्सर किया हमारा वेस्ट बंगाल प्रांत का जो अभी
प्रेसिडेंट है अध्यक्ष श्री लीलाधर जी पोद्दार, उन्होंने ये स्वेटर सबको स्पॉन्सर किया, इसीलिए हम लोग आभारी हैं। और इसका अंदर मैं बोलने चाहती हूँ, वेस्ट बंगाल प्रांत से हमारा सब ऑफिस बेयरर, हमारा जो सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी है दीपक जी, और दीपक जी छपारिया, हमारा जो ट्रेजरर है राम गोपाल जी, इन्होंने इन सब नंदलाल जी, शुक्ला जी, मुंद्रा जी, सबको बहुत हेल्प किया, एटलीस्ट हम लोग को ये साहस दिया, साहस बढ़ाई तो हम लोग कर पाई। ये बारे में हम लोग फिर 21st हम लोग एक कल्चरल प्रोग्राम किया, एक संस्कार शाला किया, जिसमें हम लोग गुड टच बैड टच का बारे में बताई बच्ची लोग को, जिसमें बेटी है तो सृष्टि है, ये हमारा थीम थी। इसका ऊपर हमारा ही मेंबर मंजू दीदी पोद्दार ने बहुत अच्छा से बताई बच्चे लोग को, और ऐसा करके हमारा प्रोग्राम चली, हर रोज रिपोर्टिंग हुई। आज पूरा देश भर हमारा महिला बाल विकास प्रोजेक्ट से भारत विकास ये प्रोग्राम बनाई, पूरा प्रोग्राम हाईली सक्सेसफुल हुई, अभी वो प्रोग्राम ख़त्म हुई। और पूरा महिला बाल विकास से क्या क्या हुआ ये टोटल हम सब की, तो आज का जो बच्ची का लिए हम लोग की वो बहुत ही सुचारू रूप में दिखाई दी। हमारा नेशनल प्रोजेक्ट मेंबर जो है अविनाश दीदी, अविनाश जी शर्मा, हमारा भारत विकास परिषद का वाइस प्रेसिडेंट है राजश्री दीदी, राजश्री जी गांधी, हमारा और है गीता दीदी, गीता जी पटनायक, और वहाँ नेशनल जो सेक्रेटरी है वो है शिप्राधर जी, डॉक्टर शिप्राधर, शी इज़ अ गायनोकोलॉजिस्ट। मैं ये बताने चाहती हूँ शी लव्स गर्ल चाइल्ड, उसी लिए उनका एक हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, वो नर्सिंग होम में कभी गर्ल चाइल्ड बॉर्न होता तो पैदा होती तो वो पैसा नहीं लेती, डिलीवरी चार्ज नहीं लेती है, कितनी बड़ी बात है। सो हमारा टीम और हमारा पूरा टीम में जो जितना मेंबर थी इन सब मिल के हम लोग बहुत अच्छा से आज मनाई, और हम लोग एक ओथ लिया, एक काम फिर शुरू कर दिया, हर ब्रांच जितना ब्रांच है एक एक ब्रांच दो बच्ची को गोद लेंगे उसका पढ़ाई के लिए, तो वो काम भी अभी शुरू हो गई। अभी नाम लिखाई 61 गर्ल का, अभी भी आएंगे शायद हम 3000 बच्ची को हम सब भारत विकास से गोद लेंगे, उसका पढ़ाई का खर्चा हम लोग देंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नमस्कार।